हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईएसआईसी की तरफ से जारी की गई वैकेंसी के बारे में। ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर विभिन्न पदों पर वैकेंसी है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2 और सुपरिंटेंडेंट जैसे पोजीशन पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। डिग्री पास, बैचलर्स डिग्री पास अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे ईएसआईसी के अंदर। वहीं आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा और 12 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन मोड से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। वीडियो में आगे कंप्लीट जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हमारा ये कंटेंट या ये जानकारी अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। साथ ही इस तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जो भी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी ईएसआईसी की तरफ से मांगी गई है सारी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं पूरी जानकारी आपको यहाँ बताते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ईएसआईसी की तरफ से वैकेंसी है, विभिन्न पदों पर है। जैसा कि आपको बताया गया, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मैनेजर ग्रेड 2 और सुपरिंटेंडेंट के पदों पर यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। कुल 93 पदों पर यहाँ पर भर्ती ली जानी है। वहीं आवेदन आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा और पूरे भारत से आवेदन कर सकते हैं ईएसआईसी के लिए इस भर्ती के लिए। और चयनित अभ्यर्थी को यहाँ पूरे भारत के अंदर कहीं भी जॉब लोकेशन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अभ्यर्थी का क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट के साथ। आपकी यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए। उम्र सीमा में कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष रखा गया है। उम्र सीमा में छूट सरकार के नियमानुसार मिलने वाली है। पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर मिलेगी जिसका लिंक पेज में नीचे आपको मिल जाएगा। सैलरी की बात करें, अभ्यर्थी को 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये प्रति माह तक दी जाएगी। वहीं 11 मार्च 2022 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 12 अप्रैल तक आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें, SC ST PWD फीमेल एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैटेगरी के अभ्यर्थी 250 रुपये आवेदन शुल्क देंगे। इनके अलावा अन्य सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। अब ऑनलाइन मोड का प्रयोग करते हुए आवेदन शुल्क दे सकते हैं। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर अभ्यर्थी का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और मेन्स एग्ज़ाम, साथ ही कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इसी के आधार पर अंतिम चयन यहाँ किया जाएगा। वहीं इच्छुक और एलिजिबल अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए ESIC.NIC.IN की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आवेदन कर सकते हैं या डायरेक्ट लिंक भी हमने यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर हिंदी में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। इंग्लिश के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके डायरेक्ट आवेदन की पेज पर जा सकते हैं। ESIC के संबंध में अधिक जानकारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से मिल जाएगी। पूरे नोटिफिकेशन और ये सारे लिंक आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट सरकारीRoजगारNews.com पर मिल जाती है। आप यहाँ पर आकर के ESIC रिक्रूटमेंट 2022 की नोटिफिकेशन के अंदर ये सारे लिंक्स आपको मिलते हैं। यहाँ से आवेदन कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। साथ ही बने रहिए चैनल के साथ इस तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।